नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका gupta.com किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर और मखाने की सब्ज़ी की रेसिपी। इस सब्जी को बनाने में ना तो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मलाई का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये सब्ज़ी एकदम शाही वाले स्वाद में बनकर तैयार होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पनीर और मखाने की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक कटोरी मखाना ले लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर मखाने को रोस्ट कर लेने के बाद में इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी डाल के भी इसको हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो मखाने जो हैं बहुत अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हो गए हैं। अभी एक मखाने को हम उठाएंगे और इस तरह से हाथों से दबा के इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी चलिए इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। तो 3 लौंग ले लिया है, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च और तेजपत्ता ले लिया है। इन खड़े गरम मसालों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो जैसे ही इसका फ्लेवर तेल में आ जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को भी तड़का लेंगे अच्छे से। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज, लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अभी इसको हम कुछ सेकेंड के लिए चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। तो प्याज और लहसुन को मैंने 10 से 15 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लिया है। उसके बाद में एक छोटे साइज के पके हुए टमाटर इसमें डाल देंगे काट के। अब इसमें 2 चम्मच काजू का टुकड़ा डाल देंगे। तो क्योंकि हमें इसको ग्राइंड ही करना है तो काजू का टुकड़े का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है ताकि ये जल्दी से पक कर तैयार हो जाएँ। अभी इसको हम कवर करके पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद में ढक्कन को मैंने हटा लिया है और ये जो हमारे प्याज और टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो गए हैं, ये पूरी तरह से सौते हो गए हैं। तो अभी चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं और जैसे ही ये सारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लिया है और 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को मैंने थोड़े से लंबाई में कट किया है, आप अपने मनपसंद के हिसाब से पनीर को कैसे भी काट सकते हो। अभी हम एक एक करके पनीर को इसमें डाल देंगे और जैसे ही पनीर एक साइड से फ्राई हो जाएगा तब इसकी साइड को हम इस तरह से पलट देंगे और पलट के इसकी दूसरी साइड भी हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो पनीर दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अभी इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और कलछी को इस तरह से तिरछा कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो कढ़ाई में चला जाए। अब इसमें हम आधा चम्मच देसी घी डाल देते हैं उसी बचे हुए तेल में और 3 छोटी इलायची डाल देंगे और इसके जो मुंह है ना उसको खोल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इलायची का वो तेल में अच्छे से आ जाए। तब इसमें हम प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे जो कि हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसी के साथ इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच से कम हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। मिला लेते हैं इन सभी मसालों को और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो ये छोटे साइज के ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अभी इसकी किनारी को हम इस तरह से काट के हटा लेते हैं। तो किनारियों को मैंने इसके हटा लिया है और इसकी जो किनारियां हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको पीस के हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे
और इसको किसी भी कैटलेट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है, तो आधा कटोरी मैंने दूध लिया है। अब इसी में ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें हम डाल देंगे और इसको इस तरह से चम्मच से मिलाते हुए दबा देंगे, ताकि क्योंकि ये ब्रेड है तो बहुत ही जल्दी से फूल जाएगा दूध में। तो इसको तुरंत ही हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और मिक्सी के जार में डाल के इसका हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। और इधर हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको बीच बीच में चला भी रही थी। तब इसमें हम आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, हाथों से इस तरह से क्रश करके। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। अब इसमें हम ब्रेड वाला दूध डाल देंगे, जो कि ब्रेड और दूध को मैंने पीस के रखा हुआ है, उसको डाल देंगे। मिला लेते हैं इसको, क्योंकि हमने इसमें क्रीम और मलाई का तो इस्तेमाल किया नहीं है, तो क्रीम और मलाई की जो कमी है वो ब्रेड वाला दूध पूरा कर देगा। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, मिला लेते हैं इसको। अभी ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी यहाँ पर हम गरम इस्तेमाल करेंगे, ताकि इससे सब्ज़ी जो है हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि मखाना थोड़ा सा ग्रेवी को सोप करेगा। तो इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आ जाने देते हैं। तो जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर और मखाने को, और उसके बाद में इसको हम कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद में ढक्कन को मैंने हटा दिया है और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी सब्जी को हम एक साइड में उतार कर रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, आधा चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे, और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आधा चम्मच से भी कम हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, मिला लेंगे इसको, और ये हमारा लाल घी बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और हमारी जो सब्ज़ी है वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी पनीर और मखाने की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें ना तो हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही मलाई का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।